Hey, what's up my viewers, my subscribers, कैसे आप लोग? Welcome back to my channel, Ride My Life. हाँ guys, काफी दिनों बाद आज स्क्रैम्बलर पे व्लॉग बन रहा है और स्क्रैम्बलर पे आज हम कुछ ऐसा कारनामा करने वाले हैं, शायद ही इंडिया में किसने अभी तक किया होगा। मेरे स्क्रैम्बलर के टैंक पे आज मैं रैप कराने वाला हूँ और कलर कौन सा करने वाला हूँ ये अभी तक मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है। रेड ठीक है, कंपनी स्टॉक कलर है, बट मुझे मेरी बाइक दुनिया से थोड़ी हटके हमेशा पसंद है। मैंने अभी तक जितने भी मेरे पुराने बाइक्स थे उसमें मैंने टैंक पे पेंट कराया था, पर रैप का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं रैप वाले के पास, कलर वगैरह फाइनल करते हैं और फिर रैप का काम पूरा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, काफी मजेदार व्लॉग होने वाला है। आज कोई मोटर व्लॉगिंग नहीं करेंगे, सीधा आपको मिलते हैं शॉप पे। मैं इधर औंध में आया हूँ। औंध एक एरिया है पुणे में जहाँ कस्टम रैप का काम होता है। बात हो गई लोगों से, कलर वगैरह का डिस्कशन हो गया कि कौन सा करना है, और मैं ड्यूअल टोन में कर रहा हूँ और काम अभी शुरू हो गया है जस्ट रिसेंटली, और बेहतरीन काम हो रहा है। मुझे बाइक दो दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी, पर जितना भी कवर मैं कर सकता हूँ आज मैं उतना कवर कर रहा हूँ। You've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. पूरा सूखने के लिए और सेट होने के लिए पूरा एक दिन लगेगा, तो कल शाम को मुझे बाइक मिलेगी। तो जो फाइनल बाइक है वो इसी वीडियो में आपको देखने मिलेगा, पर कुछ मिनटों बाद। कल की बात, आज है डे टू और मैं वापस आया हूँ। काम कितना हुआ है वो चेक करना है। एक्चुअली मेरा काम था उन में, इसलिए मैं वापस आया हूँ कि मतलब देख भी लेते हैं कि काम कितना हुआ है आज। बाकी आज बाइक नहीं मिलेगी, बाइक कल मिलेगी। तो डे टू काम 80% हो गए, 20% अभी बाकी है। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर पे। कल मंडे है और हम वापस आएंगे फाइनल बाइक लेने के लिए। वॉशिंग वगैरह करेंगे, पॉलिश वगैरह करेंगे, चमकाएंगे उसको और आपको फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे कि हमारे स्क्रैम्बलर पे रैपिंग कैसा हुआ है। आई एम सो मच एक्साइटेड गाइज, एंड आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। ये पहली स्क्रैम्बलर बनने वाली है इंडिया की जिसपे रैप हुआ है। मेरे लिए तो एक दिन, आपके लिए कुछ मिनट। मिलते आपको कुछ मिनटों में। The next day. आज है डे थ्री और मैं जस्ट अभी बाइक लेके आया हूँ। बाइक इधर खड़ी है, जो रैप करके जो बाइक दिख रही है बॉस, मजा आ गया बाइक देख के। चलो अभी आपको बताता हूँ, मैं सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ, फाइनल डिटेल्स बाइक पे कितना खर्चा हुआ और बाइक मैंने रैप किससे कराया पुणे में। Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Hey, hey.
सिर्फ टैंक पे रैप कराया, बाकी पूरी बाइक वैसी की वैसे ही है, क्योंकि पूरी बाइक ऑलरेडी ब्लैक और क्रोम और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में भरी पड़ी है। इसलिए मैंने जो रैप कराया है वो ड्यूअल टोन में कराया है। ये मैट है, ये ग्लॉसी ब्लैक है और इसमें भी गोल्डन का है स्ट्राइपिंग, और वाइट में ट्रायम्फ का नाम डाला है। और जो लुक निकल के आया है बॉस, ज़बरदस्त। ये जो मैं सीट्स है मैं सेम रखने वाला हूँ, जो ब्राउन सीट्स है, काफ़ी क्लास लग रहे। और जो बाइक है फुल गैंगस्टर लुक में आ गई है, ज़बरदस्त लग रही है बाइक। शायद ही ऐसा कोई रैप स्क्रैम्बलर में आज तक किसी ने कराया होगा जो मैंने करा है। ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होगा जिसने स्क्रैम्बलर पे रैप कराया है। ये जो गोल्डन कलर का फोक्स है और जो टैंक है और टैंक पे जो स्ट्राइपिंग है गोल्डन कलर की, क्या प्रॉपर मैच कर रहा है बाइक, ज़बरदस्त। आई एम वेरी हैप्पी। खर्चा इसमें उन्होंने 5500 का बोला था, बट डिस्काउंट करके मुझे 5000 में पड़ा ओनली टैंक रैप। अच्छा रैप आर्टिस्ट ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से पुणे में, कम से कम 6-8 महीने से, बट फाइनली मुझे गूगल पे मिल गया मिस्टर रैप आर्टिस्ट। वो औंध में लोकेटेड है पुणे में। आप वहाँ पे जाके अपनी कोई भी बाइक अपनी रैप करा सकते हो। क्वालिटी बेमिसाल है। प्लेन रैप भी मिल जाएगा, कस्टम डिजाइन के जो रैप है वो भी मिल जाएंगे उसके पास। मैं उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको रैप कराना है आप जाके करा सकते हो। सो 3 दिन लगे गाइस, बट जो काम हुआ है बाइक का ज़बरदस्त, मुझे काफ़ी पसंद आया। होप आप लोगों को पसंद आया रहेगा। आपकी जो भी राय है इस बाइक के बारे में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, आपको पसंद आया नहीं आया। RTO रूल्स के हिसाब से जो सब लोग बोलते हैं RC बुक पे जो कलर है वो ही टैंक पे होना चाहिए, बट महाराष्ट्र में इट्स ओके, महाराष्ट्र में चलता है, केरला साइड शायद नहीं चलेगा। बट आई विल टेल यू माय व्यू, 24 साल के जो राइडिंग एक्सपीरियंस में मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपके RC पे कौन सा कलर है और आपके बाइक पे कौन सा कलर है। चलिए जो पुलिस वाले हैं वो मिरर के लिए, साइलेंसर के लिए और नंबर प्लेट के लिए बाइक रोकते हैं, और इंश्योरेंस POC के पेपर्स के लिए। अनटिल अनलेस आपकी बाइक का एक्सीडेंट ना हो जाए और जो टैंक पे जो कलर है वो RC बुक से मैच ना हो जाए, तब तक कोई दिक्कत नहीं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो ये रैप है, रैप इजीली निकल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट व्लॉग।